हालेलुया। आइए परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को हम महिमा दें। हालेलुया। आइए अपनी आँखों को बंद करें और पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। थैंक यू जीसस, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत हम करते हैं प्रभु। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस पूरे समय का कब्जा ले पवित्र आत्मा। जितने लोग हमें देख रहे हैं, हर एक उन भाइयों का बहनों का कब्जा ले, उन परिवारों का कब्जा ले। हालेलुया, उन पर छाया कर। हालेलुया, आइए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हर कोई अपना मुंह खोल कर, ओ होली स्पिरिट वी वेलकम यू, वी नीड यू, वी नीड यू, वी नीड यू, वी नीड यू होली स्पिरिट। तेरा नियंत्रण हो पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। वी वेलकम यू ओ किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सेवा में। तेरा स्वागत है, जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके घरों में तेरा स्वागत है। आइए परमेश्वर के लोगों, अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। उससे कहिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता, तू हमें इस आराधना में चलाएगा, हम धन्यवाद देते हैं। तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, हम अकेले नहीं हैं इस संसार में। प्रभु ने वायदा किया है कि मैं अंत तक, जीवन के अंत तक, संसार के अंत तक सदैव तेरे संग संग रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे दुनिया हमारे विरोध में हो, यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, और वो अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना ये गवाही परमेश्वर के लिए हम दें, क्योंकि मार्च महीने से लेकर आज नवंबर महीने तक कितने महीने गुजर चुके हैं, लेकिन क्या हमें कुछ कमी हुई है? क्या हमारे परिवारों में कुछ कमी हुई है? कुछ नहीं, हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। बल्कि इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने हम सबको अधिक आशीषित किया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्यों ना हम धन्यवाद भरे हृदय से आज ये आराधना परमेश्वर को समर्पण करें। हालेलुया, हमें चंगाई दिया धन्यवाद, हमारे साथ चला धन्यवाद, हमें बल दिया धन्यवाद, प्रभु तू हमारे साथ रहा धन्यवाद। हालेलुया, क्यों ना इस धन्यवाद की बलि को हम परमेश्वर को चढ़ाएं। हालेलुया, आइए गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। Thank you.
तुझे धन्य हम कहते हैं पिता। धन्यवाद के सिवा हम तुझे क्या दे सकते हैं राजा। तू अपने लोगों की अगुवाई करता है। एक ही तमन्ना है प्रभु, जो ये चीजें हो रही हैं प्रभु, वो चिन्ह जो हम समझ सकते हैं तेरा आना निकट है और हम तुझे देखने के लिए तरसते हैं। हमारा आत्मा, प्राण, शरीर, हमारा दिल तेरे साथ एक होने के लिए प्रभु हम तरसते हैं। हालेलुया। वो दिन कब आएगा जब हम तेरे सामने होंगे? हालेलुया। तुझसे हमारा मिलन होगा प्रभु, तुझसे तेरी दुल्हन का मिलन होगा। उस दिन की बाट हम जोते हैं। आत्मा और कलीसिया कहती है, आ प्रभु यीशु, तू आ जा। स्वर्ग के हे प्रभु, मेरे दिल।
धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद देते हैं पिता। अपने हाथों को उठाइए परमेश्वर के लोगों, उसकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में आ चुकी है, आपके घरों में आ चुकी है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हाथों को उठाइए और हालेलुया कहिए, हालेलुया कहते जाइए, हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा आपको चलाता है, अपना मुंह खोलकर हालेलुया कहिए, उसकी स्तुति करने लग जाइए परमेश्वर के लोग। तेरी स्तुति हम करते हैं, ये आराधना तुझे भेंट करके चढ़ाते हैं। इसके आगे का समय प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। धन्यवाद प्रभु, अब तक हमें संभाला और चलाया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द स्वीट एंड द लवली नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने और एक हफ्ता दिया। एंड आई थैंक द लॉर्ड फॉर दिस अनदर वीक द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड अस विद। इस दिव्य भेंट के अंदर मैं एक बार फिर से आपको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। वंस अगेन आई ग्रीट यू ऑल इन आवर मिडवीक सर्विस डिवाइन विजिटेशन। पिछले माह की हमारी
25th चर्च एनिवर्सरी की सारी मीटिंग के परमेश्वर ने आशीष का कारण बनाया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं एंड आई वांट टू थैंक द लॉर्ड एंड आल्सो थैंक यू फॉर द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन व्हिच वी हैड लास्ट मंथ और परमेश्वर के आए अभिवचनों पे आप लोग कार्यरत हुए कार्य कीजिए प्रभु आप लोगों को आशीष में करेंगे एंड सो होल्ड ऑन टू द प्रॉमिसेस ऑफ द लॉर्ड व्हिच ही हैज प्रोनाउंस्ड ओवर यू एंड वर्क अकॉर्डिंगली एंड द लॉर्ड विल डू माइटी थिंग्स अमंग यू आइए परमेश्वर के वचनों को आज हम सुने So now let us start with the word of God. प्रार्थना करते हैं. Let us pray. पिता मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं. Father, I thank you from the depths of my heart. हम घट जाएं आप ऊंचे हो जाएं ये हमारी प्रार्थना है. And we pray that we will decrease and you will increase in our life. पिता तेरा दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है. Lord, your servant opens his mouth before you. इस मुख इस जीभ पे तेरे अभिषेक को भेज. Send forth your anointing over this mouth and this tongue. प्रभु जी मुख तेरे दास का और शब्द तेरे हों. Lord, let the mouth be of your servants but the words be from you. सचमुच दैवीय भेंट में तू हमसे मुलाकात कर परमेश्वर. Truly, O Lord, visit us in this divine visit. आज का वचन हमसे बातें करने पाए एंड लॉर्ड लेट टुनाइट्स वर्ड मिनिस्टर टू अस लेट इट स्पीक विद अस सौरभ में कीजिए जो मेरा आत्मिक बेटा है ब्लेस माय स्पिरिचुअल सन सौरभ ताकि हम एक लय में चल पाएं सो दैट वी माइट फ्लो इन द सेम स्पिरिट सिस्टर देविका पे आपकी आशीष बनी रहे जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रही हैं लेट योर ब्लेसिंग्स बी ऑन सिस्टर देविका हु इज हेल्पिंग अस इन रीडिंग द स्क्रिप्चर्स सारे मीडिया टीम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एंड आई वांट टू थैंक यू लॉर्ड फॉर आवर मीडिया टीम सभी को आशीष में कीजिए ब्लेस एवरीवन ऑफ देम सारा महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूं वी गिव यू ऑल द ग्लोरी प्रेज एंड ऑनर पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं Spirit, we welcome बिना you. आपके हम कुछ नहीं कर सकते. We can do nothing without आपका you, Lord. स्वागत है पवित्र आत्मा. Holy Spirit, we welcome you. इन वचनों को आप खोल के बताइए हमें. Reveal to us, open up your word एक to us, Lord. एक नया प्रकाशन हमें दीजिए. And give us a new revelation. सारी महिमा गौरव आदर स्तुति मैं आपको देता हूं. I give you all the glory, praise and honor. यीशु के नाम में. In Jesus name we pray. Amen. Amen. मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं परमेश्वर. Once again I thank the Lord. आइए इस दैवीय भेंट के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं एंड आई वेलकम यू ऑल फॉर अ डिवाइन विजिटेशन ब्रॉडकास्ट और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन भी आप लोगों से बातें करे एंड आई बिलीव दैट टुनाइट्स वर्ड विल स्पीक विद यू आज का वचन भी किसी ना किसी के लिए है एंड टुनाइट्स वर्ड इज फॉर समबडी अगर परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है एंड इफ द वर्ड ऑफ गॉड इज स्पीकिंग विद यू मैं आपसे कहूंगा कमेंट बॉक्स में जाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए देन आई वांट टू एनकरेज यू टू गो इन द कमेंट सेक्शन एंड रिस्पोंड अकॉर्डिंगली परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए एंड थैंक द लॉर्ड फॉर द वर्ड क्योंकि उसका वचन आग और हथौड़ा Because his word is fire and hammer. क्योंकि उसका वचन के खुलने से प्रकाशन हमें मिलता है. Because the opening of his word brings light. उसका वचन सत्य है. Because his word is the truth. उसका वचन सामर्थ्य है. His word is powerful. जो हमारे जीवनों को बदल देता है. And that word can change a life. आइए चलते हैं हमारे विषय के अंदर. And so now let us start with the topic. आज मैं शाऊल के और उसके नौकर के बारे में आपको बताना चाहूंगा. Tonight I want to talk about Saul and his servant. और इस नौकर के बारे में आज थोड़ा फोकस करना चाहूंगा. Now let us focus on this servant ek parmeshwar ka bhay rakhne wala vyakti hai a god fearing man ek acche gunon se bhara hua vyakti hai a man full of virtue tyagne wala hai ye a person who has a sacrificial attitude a person who has an attitude of giving sai martdarshan apne swami ko kar raha hai wo a person who will guide his master in the right way yes parmeshwar kai bar aise logo ka istemal apne kareebi mein lane ke liye parmeshwar karta hai yes many times the lord uses such people as mediums for other people to draw close to him fir bhi parmeshwar ki ek mansa aapse mujhse hai and still god has a desire for us aise dharmi aise mardarshan atma se bare log hone ke bawajood bhi parmeshwar chahta hai aap ekant mein parmeshwar ke sath zyada sambandh banaye yes there are people who are righteous people who are virtuous people who will guide you to the lord but still the lord desires your personal encounter with him he wants you to be involved with him personally in intimacy bible mein likha hai यशायाह की पुस्तक में आपकी गति मेरी गति और उसके विचार परमेश्वर के और आपके विचार में जमीन आसमान का अंतर है Bible tells us that as the heavens are higher from this earth so are his ways and his thoughts higher than our ways and our thoughts मनुष्य आपको सीमित तक मार्गदर्शन कर सकता है लेकिन परमेश्वर असीमित है वो आपका मार्गदर्शन करता रहेगा You know man has certain limits to guide you in the walk of life but God's guidance has no limits he will guide you till eternity क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में आप चमत्कार Do you want to see a miracle in your life? तो आइए आज का वचन बड़े ध्यान से सुनिए. So listen to tonight's word very carefully. आज का मेरा वचन है कि आप लोग अकेले में और चुपचाप खड़े रहें परमेश्वर की उपस्थिति में. The title of my message tonight is Stand Alone and Stand Firm Before the Lord. Yes, परमेश्वर एकांत के अंदर आपसे बात करना चाहता है. And the Lord wants to speak with you in silence alone privately. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष में करे. And may the Lord bless you through this word. आइए चलते हैं देखते हैं पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय और
27वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? First Samuel chapter 9 verse 27. Yes. और नगर के सिरे की उतराई पर चलते 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 शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। सेवक को हमसे आगे बढ़ने के लिए कह है। वह आगे बढ़ गया और वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊ। वचन सुनाओ, कोई है जो कहे आमेन, हालेलुया। And so we read here in 1 Samuel chapter 9 verse 27, as they were going down to the outskirts of the city, Samuel said to Saul, tell the servant to go on ahead of us so that he may pass by, but you stand still now so that I may proclaim the word of God to you. परमेश्वर के लोगों, समय बदला नहीं है। People of God, the times have still not changed. परमेश्वर आपसे अपने जन के द्वारा बात करना चाहता है। And God wants to still speak with you through His servant. वो भी अकेले में बात करना चाहता है। And in alone. पवित्र आत्मा के द्वारा बात करना चाहता है। He wants to speak with you through His Holy Spirit. अपने सामर्थ्य वचनों के द्वारा बात करना चाहता है। He wants to speak with you through His powerful word. वो आपसे प्यार करता है। Because He loves you. वो चाहता है कि आप उसकी योजना को जाने। And He wants you to know His plans. अब हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई है, क्योंकि इज़राइल को एक राजा चाहिए। And so we read here that God made a plan because the kingdom of Israel needed a king. बेंजामिन जो सबसे छोटा गोत्र है, सबसे लास्ट है, उस गोत्र में से परमेश्वर ने शाऊल को चुना। Benjamin, which was the smallest tribe and the last family was that of Saul, he chose Saul from his family. अब शाऊल को शमूएल तक लाने के लिए और अपनी बात कहलाने के लिए परमेश्वर को एक प्रोसेस करना पड़े, काम करना पड़ा कि शाऊल के घर की गदियों को परमेश्वर ने ना जाने हाँक दिया, कहां चले गए, वो घूम गए, ऐसा बताया है बाइबल में। उसे ढूंढने के लिए परमेश्वर शाऊल और उसके सेवक को अपने जन तक ले जाता है। And so for Saul to come to the right place, we find that God did something. He let his donkeys wander around and get lost. And that's the reason why when Saul and his servant went out to search for them, they happened to come to Samuel. And that was actually the plan of God for Saul. परमेश्वर आपसे अकेले में बात करना चाहता है। Because God wants to speak with you alone. ये जो हमने वचन सुना, this word which we read right now, इसमें परमेश्वर कहता है तेरे सेवक को बोल आगे चले जाओ, चुपचाप ठहरा रहे और देख परमेश्वर तुझसे क्या कहना चाहता है। God, Samuel says to Saul, let your servant pass by ahead and I want to speak with you, so be still and remain quiet. कई बार परमेश्वर के पास आने से पहले हमारे जीवन को हम बहुत हल्के में लेते हैं। You see, many times when we, before we come to the Lord, we take a life very casually. बाइबल को अगर ध्यान से पढ़ें तो शाऊल से बढ़कर उसका सेवक जो बड़ा आत्मिक दिख रहा है, वो उसे शमूएल के पास लाया है, क्योंकि एक भविष्यवक्ता और उसके शब्द, उसके के कार्यों को उसने सुना है, इसलिए सही जगह पे वो वहां पे पहुंचे हैं और वो शाऊल के पास, शमूएल के पास शाऊल को लेके गया है। If you read the Bible carefully, you will find that Saul's servant was more spiritually mature than Saul, but God used this servant as a medium for Saul to come close to Samuel so that he might tell him what the Lord plans for him. परमेश्वर जब बात करता है, वो हर एक जन से अकेले में बात करता है। See, when God speaks with a person, he speaks with them alone. अब बाइबल के अंदर देखिए, पौलुस को देखिए। You look at Paul. दमिश्क में जब वो जा रहे थे, while he was traveling to Damascus, एक लाइट चमकी, ऐसे बाइबल बताती है। Bible tells us a bright light shone around him. प्रकाश को सारे लोगों ने देखा, उसके सहयोगियों ने देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसे घोड़े पे से औंधे मुंह गिरा दिया। And Bible tells us that every person with him saw that light, but Saul fell down from his horse. लेकिन बात तो परमेश्वर ने शाऊल से की है। But only Paul or Saul heard the voice of God. बाकी किसी से मतलब नहीं था, शाऊल से मतलब था, इसलिए परमेश्वर ने शाऊल से बात की। Because God needed Saul, so he directly spoke to him and not with everyone. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Because he is the Almighty God. वो आपसे मिलने के लिए अपने जरिए अलग अलग बनाता है। And he will create different means for you to encounter him. और हम देखते हैं शाऊल अंधा हो गया और उसके बाद वो दमिश्क में गया, उसने 3 दिन उपवास और प्रार्थना की, एक सेवक को भेज के उसकी आंखें खोली, उसने बपतिस्मा लिया, आत्मा से भरा, और इस तरह शाऊल की यात्रा या शाऊल का संबंध परमेश्वर के साथ आया, वो उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके चलने लग गया। And so we know the next part of his story.
story how he fell from his horse and he became blind and he was taken to Damascus and he was blind for 3 days and God sent his servant to heal him and after he was healed he was baptized he encountered God and he started serving God as an apostle parmeshwar ye shaul se chahe to ek din pehle ye log pahunch gaye the wahan baat kar sakta tha see if God wanted to speak with Saul he would have already spoken with Saul because they had reached there sabke samne baat kar sakta tha God would have spoken these things to him before everyone aur main sochta hu ki woh naukar bhi uske mann mein chutput hogi ki kya baat karna chahta hai kyunki woh to Saul ko milane laya hai aur Saul ke paas se ek prakashan aane wala hai and I can imagine that the servant of Saul was also curious of this thing because he knew that he himself had brought Saul to Samuel and he wanted to know what Samuel will speak with Saul ye naukar jo hai woh is Samuel ke bare mein janta hai woh jo kuch bhi kehta hai bina pure hue nahi rehta ye woh janta hai because the servant of Saul knew very well that the words of Samuel never fell to the ground whatsoever he spoke it always happened parmeshwar ko agar kehna hai to aapko kahin se utha ke kahin leke jayega lekin apna kaam wo pura karega see if God has to use you he will take you from one place to another but he will surely do it from you aap ethiopia ke khazanchi ko dekhiye na look at the eunuch the treasurer of ethiopia jerusalem mein hai mandir mein hai bahut sare log hai lekin usne wo opportunity nahi mili use samjha nahi yeshu kon hai rath mein baith ke wo ja raha hai lekin parmeshwar ne uska pura uddhar karne ke liye philipus ko uske paas bheja hai uske paas baith ke usne yeshaya 53ve adhyay ke andar ke us vyakti yeshu ke bare mein bataya aur jab usne pura sandesh suna pani ko dekha bola ab mujhe baptisma lene se kaun rok sakta hai you find that the eunuch was in jericho and then while he was traveling there were many people there but no one told him about the lord and when he was alone in his chariot reading about the lord jesus christ philip comes along and he tells him the gospel and then he believes on the lord and he says see the water is here what hinders me from getting baptized and he was saved prabhu ke logo aapka jo uddhar hua hai jo aapne masi ko apnaya hai koi na koi jariya aapke liye parmeshwar ne banaya tha people of god you are saved by the grace of god there was a medium through which god reached out to you main seva mein aane se pehle parmeshwar ne mere liye kya adbhut jariya banaya main aapke sath bantna chahta hu pastor wants to share his story with you before he stepped into ministry what was that medium god created for him main aapko 27 saal pehle le jana chahta hu and let me take you back 27 years ye december ka maah tha it was the month of december main apne zion khadki church ke andar main decoration karne ke baad mujhe bhook lagi thi aur main khana khane ke liye ek hotel ke andar gaya main and pastor was decorating the Khadki church and after the work was done for Christmas he was hungry so he went to a hotel to have some meal aur main wahan pe baitha tha us table pe and he was seated there at the table dekhiye wo table mere liye parmeshwar ne bana ke rakha tha see god had appointed that thing mere baithne ke baad ek prabhu ke daas aaye wo bhi usi table pe baithe and so while pastor was seated there a man of god came in that same hotel and he sat down with him at the table apne अपने मेरे सामने उस टेबल पे बाइबल को रखा एंड ही प्लेस्ड हिज बाइबल ऑन द टेबल बाइबल को देख के मुझे आनंद हुआ क्या आप विश्वासी हैं एंड व्हेन आई सॉ हिज बाइबल आई वाज हैप्पी आई आस्क्ड हिम आर यू अ बिलीवर उन्होंने कहा मैं विश्वासी नहीं मैं एक सेवक हूं एंड द मैन ऑफ गॉड रिप्लाइड दैट आई एम नॉट अ बिलीवर आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड और ये प्रभु के दास का नाम है सोलोमन पवार एंड द मैन ऑफ गॉड्स नेम इज पास्टर सोलोमन पवार और उन्होंने कहा कि मैं अभी बॉम्बे के मीटिंग करके आ रहा हूं मैं एंड सो ही टोल्ड मी दैट आई हैव just returned from a meeting in Mumbai mujhe bhi bhook lagi isliye main is hotel mein aaya hu and he told me that he was hungry and so he came to this restaurant wo us samay rehne wale loni mein the and he used to stay in loni in those days ab dekho wo khadki ke andar us hotel ke andar baithe hain but he is there in khadki with me main us samay to nahi samajh paya I did not understand what's happening aaj main jab ye sandesh aapke sath baant raha hu to main aapko batana chahta prabhu jariya kaise banata hai sthan wo chunta hai aur wahan apni baaton ko humse karta hai but right now I understand what was the plan of God and how God created means through that servant of God that I am in ministry so let me tell you how it happened prabhu ke logo parmeshwar aap se pyar karta hai people of god god loves you very much wo ekant mein akele mein aap se milna chahta hai baat karna chahta hai he wants to meet you alone he wants to speak with you lekin aaj ka manushya apne mitra mandaliyon aur sansar ke andar itna ulajh gaya hai ki apne uddhar karta ke sath thoda samay bitana nahi chahta but tonight's man is so
busy, he is so exhausted, and he is so engrossed with his friends. He does not want to spend time alone with God. मैं इस बात को अनुभव से कह सकता हूँ. And I can share this with experience. भले मैं सेवा को मैंने भी ऐसा किया है, लेकिन मैंने जब ये जाना, मेरा परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है, मैंने अपने आप को अकेले में रखना आरंभ किया है. I am a servant of God too, and I know how it happens, and I also have experienced these things. But when I realized that God wants me alone with Him, so that He can speak with me, I started spending time with Him alone. उस टेबल पे बैठ के हम लोग ने पहले चाय पी. And so pastor and the man of God had tea while they were seated in that restaurant. हमारी बातें आरंभ हो गई. And they started having a conversation. और मैंने अपनी गवाही बताई मैं कैसे मसीह में आया हूँ. And so pastor shared his testimony with him. कैसे मेरे जीवन को प्रभु यीशु ने बदला. And how the Lord changed his life. और उसके बाद मैं सेवा करना चाहता हूँ. And he told him that he wants to serve God. और फिर उन्होंने कहा क्या आप अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं बाइबल कॉलेज. And then he asked him that do you want to go to a Bible college for study. उस समय में मैं प्रभु की सेवा करते करते मेरे मन से एक ही बात आती थी प्रभु मैं तेरी ही सेवा करना चाहता हूँ. Because in those days while he was working he had this heart's desire that Lord I want to serve you. उस समय मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा हो गया था. And in those days he had done his electronic diploma. जब इंस्ट्रूमेंट को मैं उठाता था, whenever he picked up an instrument, एक आवाज अंदर से आती थी. There was a voice from inside. बेटा, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तू मेरे लिए क्या कर रहा है? My son, I have done everything for you. What have you done for me? मैं समझ नहीं पाता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ. And he did not understand what is going on. मैंने उस सेवक से भी ये कहा. And so he shared this thing with that man of God. फिर उस सेवक कहने लगा, शायद प्रभु तुम्हें अपनी सेवा के लिए बुला रहा है. And the man of God told him that perhaps the Lord is calling you for ministry. मैंने कहा मैं जाना चाहता हूं मैं. And he And I replied that yes, I want to go. उदयपुर फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज के बारे में बताया. Then he told him about the Philadelphia Bible College. मेरे अंदर उत्साह बढ़ गया. And he was encouraged. ये 1990 की बात मैं बता रहा हूँ. It's a story of the year 1990. तुम अपनी गवाही लिख के दो. So he said, write down your testimony. मैंने अपनी गवाही लिख के दी. And so I gave him my testimony in written. उदयपुर कॉलेज में चले गए. And pastor's testimony reached उदयपुर कॉलेज. मैं इंतजार करने लग गया वहाँ के बुलावे का. And he was waiting for the invitation from there. मैं आज भी जानता हूं कि मुझे वो बुलावा जो आया था जून के अंतिम सप्ताह के अंदर आया था. एक ही हफ्ता रह गया था जून जाने के लिए और जुलाई आरंभ होने के लिए. And he still remembers that it was just one week left for the month of June to get over and the month of July to start and he had received that invitation from them. और फिर उसके बाद जब मुझे बाइबल कॉलेज से कॉल आया कि तुमको 2 जुलाई को बाइबल कॉलेज के अंदर रहना है. एंड देन इट वाज मेंशन देयर दैट ही हैज टू गो टू द बाइबल कॉलेज ऑन 2 जुलाई. तब मैं मेरे पास्टर के पास गया. सो पास्टर वेंट टू हिज पास्टर. उस समय हमारे जो पास्टर थे एसएस रेवरेंड एसएस घोरपड़े थे. एंड द पास्टर इन चार्ज इन दोस डेज वाज रेवरेंड एसएस घोरपड़े. मैंने उनसे कहा मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहता हूं. सो पास्टर टोल्ड हिम दैट आई वांट टू गो टू दिस बाइबल कॉलेज. कुछ समय के लिए And he was glad about it. और उन्होंने एक अच्छा farewell भी मेरा किया. He did a good farewell for him. और उन्होंने मुझे दानस भी बंधाई. And he also encouraged him. और उसके बाद मैं अपनी तैयारी के अंदर लग गया. So after that he started preparing. लेकिन मैं परमेश्वर से पूछना चाहता था. And I wanted to ask God. परमेश्वर क्या सच में तू मुझे बुला रहा है क्या? That have you truly called me? मैं कई सेवकों के पास गया. So pastor went to many other pastors. लेकिन कई जगह मुझे निराशा मिल गई. And he was discouraged in some places. फिर मैंने कहा परमेश्वर मैं अब छापा काटा करूंगा मैं. So finally he said that I'll do a toss. जिस तरह गिदोन ने तेरी परीक्षा की मैं परीक्षा नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं टेस्ट करना चाहता हूं मेरे बुलावे के लिए मैं जानना चाहता हूं तू क्या करना चाहता है. And as Gideon put out the fleece in the same way pastor said that Lord let me do this once and he said that I'm not testing you but let me do it. आकाशदीप के उस कार पार्किंग के अंदर मैंने अपने पॉकेट से एक सिक्का निकाला और कहा छापा आया तो मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा और काटा आया तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा. And so pastor said that if I'll take a coin and toss it and if it's head then I'll go or if it's tail I will not go. और छापा आया. And it was heads. मैंने कहा परमेश्वर मैं और एक बार तेरा अनुभव लेना चाहता हूँ. And pastor said once again Lord I want to try this. और वापस मैंने उड़ाया. Once again he tossed the coin. और बहुत समय के बाद मैं उस सिक्के के पास गया वापस छापा आया. And the coin fell to the ground and after मैं a long time I saw that it was heads. उसकी सेवा के लिए बुलाया है. And he understood he was. एक हफ्ते में परमेश्वर ने मेरा प्रबंध किया. And he it was confirmed that God has called him for ministry and so within that week the Lord provided for him. मैं उदयपुर चले गया. And for the next study further studies he went to उदयपुर. परमेश्वर को धन्यवाद महिमा गौरव
फादर मिले। एंड सो लेट द लॉर्ड बी ग्लोरिफाइड फॉर दिस। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। सो आई वांट टू टेल यू दैट द लॉर्ड डज वंडरफुल वर्क्स। इसलिए शांत रहें, चुपचाप रहें और परमेश्वर की आवाज सुने। परमेश्वर आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। सो बी स्टिल एंड बी साइलेंट एंड नो व्हाट गॉड हैज टू से। आज बहुत सारे जवान हैं, आज बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें सेवा तो करना है, लेकिन जब तक परमेश्वर आके हमें उठाएगा नहीं, हिलाएगा नहीं, जा सेवा के लिए हम नहीं जाएंगे। सर वो वक्त निकल चुका है। You know there are many young men and women who want to serve the Lord, but they say that if the Lord has called me for ministry, He should come and wake me up and then I'll go. It's not so. क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे? Do you want God to speak with you? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आपको मार्गदर्शन करे? Do you want God to guide you? तो आज ये वचन आपके लिए है। एकांत में जाइए, चुपचाप रहिए, परमेश्वर की आवाज सुनिए। Then tonight this word is for you. Go in a secluded place, be alone with God and be still and hear His voice. तो मिलने के कह तो दिया था तेरे बाप की सारी भेड़ बकरियां जो गधियां हैं वो सब मिल गई हैं तुझे। See, Samuel said to Saul that we have found all your donkeys. और उसने खाया, सो गया, बस उसने धन्यवाद दिया होगा मेरे बाप की सारी कोई हुई गधियां मिल गई हैं। And so Saul trusted those words of Samuel and he ate and drank and he slept fast asleep. लेकिन ये गधियां ढूंढना तो एक बहाना था। But searching for the donkeys was just an excuse. लेकिन इज़राइल के लिए परमेश्वर को किसी को ढूंढना था। But God wanted to find somebody for Israel. देखिए कैसे परमेश्वर सैमुएल के घर में शाऊल को लेके आया। See how God brought Saul to the house of Samuel. सैमुएल कहता है खा पी सो जा, सुबह तुम यहां से प्रस्थान करना। Samuel says to Saul, eat and drink tonight and for go sleep because tomorrow you have to leave. शमूएल ने यही कहा मैं सुबह बात करूंगा। And Samuel says to Saul that I will speak with you tomorrow. शायद शाऊल को लगा वो कहेंगे तुम्हारी यात्रा सफल हो, गॉड ब्लेस यू, यही सोचता होगा वो केवल। And Saul would have thought perhaps Samuel will give him he would say that go be successful in your journey. शमूएल उसे अकेले में बताना चाहता था परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या है। But Samuel wanted to tell Saul what was the plan of God for him. परमेश्वर आपसे अकेले में बात करना चाहता है। See, God wants to speak with you alone. और मैं चाहता हूं आप अकेले में जितनी संगति करेंगे परमेश्वर मर्मों को, गहराइयों को, अद्भुत बातों को आप पे प्रकट करेगा। And the greater time you spend alone with God, the greater will be your revelation. You will receive mysteries and you will receive such great revelation from God which nobody has. परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले। And let us thank the Lord for this. इसलिए परमेश्वर कहता है, शमूएल से कहता है परमेश्वर, तेरे दास को बोला आगे जाने के लिए और खड़े रहे, शांत रहे, अब मैं परमेश्वर का वचन तुझे सुनाऊंगा। And therefore Samuel says to Saul, tell your servant to go ahead, but you stand here and stand still. वो सुबह उसके जीवन को बदलने वाले थे। That morning was about to change his life. शाऊल एक नई रीति से बनने वाला था। Saul was about to become a new man. शाऊल की एक नई शुरुआत होने वाली थी। Saul was about to have a new start. परमेश्वर उसे इज़राइल का पहला राजा बनाने जा रहा था। God was about to anoint him as the first king of Israel. परमेश्वर उसे बात करने जा रहा था। And God was about to speak with him. इसलिए वो सेवक आगे निकल गया। And so the servant left. क्योंकि वो परमेश्वर का भय और आज्ञाकारी एक सेवक था। Because the servant was a God-fearing man and obedient to his master. आइए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इस सेवक के बारे में, उसके चरित्र के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं और कुछ कहना चाहता हूं। So friends, let me tell you more about this servant later on, but let me say something before. आज मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। And I want to draw your attention to a very important thing. अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा की परीक्षा रूप में एक भेंट करने का अनुभव यहां पर होता है शाऊल को। We find here that Saul wanted to know the plan of God for his life, but instead he got an encounter from God. और यहाँ शाऊल के जीवन में एक महत्वपूर्ण नया मोड़ आ रहा है यहाँ। And there is a new turn in the life of Saul. यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, तो आपके जीवन में भी एक नया मोड़ आएगा। If you are listening to this message right now, and be careful as you listen, because there is a new turn coming in your life. ये प्रतिदिन की बात नहीं है ये। And it's not a thing which happens on a daily basis. ये जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है ये। It was a major decision of his life. जिसको आपको लेना है अपने जीवन के अंदर। And you also have to take this major decision one day. इज़राइल का पहला राजा होने जा रहा है शाऊल। He was about to be the king of Israel. ये एक महत्वपूर्ण संदेश शमूएल उसे कहने जा रहा है। And Samuel was about to give him a very important message. यस, गदियों को ढूंढने के लिए आया हुआ शाऊल उसके जीवन के अंदर 90 डिग्री अंश का एक मोड़, एक नया मोड़
उसके जीवन में आ गया है. Saul, who was an ordinary guy who came to search for his donkeys, is about to get a U-turn in his life because of this message. आने वाले समय में शाऊल वैसा नहीं रहेगा जैसे था, वो अब बदलने जा रहा है, एक नई सृष्टि बनने जा रहा है. And in the coming days, Saul will never remain the same as he was because he was about to become a new creation. जैसे ही वो अपनी पीठ मोड़ेगा, एक नया मन और एक नया परिवर्तित व्यक्ति बन जाएगा. And as he turns his back, we find that he will become a new person, a new man. प्रभु के लोगों, यदि आपका इनकाउंटर परमेश्वर से, जैसे ही आप मुड़ते हैं, आप नए बन जाते हैं परमेश्वर के लिए. People of God, remember, when you have an encounter with God, the moment you turn off, the moment you leave the presence of God, you shall be a new man. सैतान आपको परमेश्वर के प्रकाशनों से रोकना चाहता है. See, the devil wants to hinder the revelation of God in your life. आपके पुराने पाप शाप को याद दिलाना चाहता है. He always reminds you of your old sins and your past. पुरानी बातें आपके जीवन के अंदर वो पिक्चराइज करना चाहता है, बार बार वही चीजें आपके सामने लाना चाहता है. He wants to bring back your past in the present so that you will be guilt-ridden. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ. But let me tell you one thing. दूसरे कुरिन्थी 5:17 में प्रभु कहता है, जो मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, वे नए हो गए हैं. 2 Corinthians 5:17 says that those who are in Christ are a new creation. Old things have passed away. Behold, all things are new. प्रभु के लोगों, तुम मसीह में नए हो गए हो. People of God, you are new in Christ. परमेश्वर आपको नया बनाने जा रहा है. God is about to make you new. और बाइबल बताती है, शाऊल इस बात के लिए तैयार नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसे ये मार्ग बताने के लिए उसके नौकर को आगे भेजा है. And Bible tells us that Saul was not yet ready to receive this message from God, and so Samuel told him to send his servant ahead of him. जब आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते, तब परमेश्वर आपके जीवन में अपने सामर्थ्य वचनों को भेजता है ताकि आप बदलें. See, when you are not ready for something which God has for you, God will send His powerful word in your life so that your life will be transformed. क्योंकि उसका वचन सामर्थ्य है. Because His word is powerful. यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा. John 8:32 says, you shall know the truth and the truth shall set you free. आज तुम्हारे अंदर जो सच्चाइयां हैं, वो परमेश्वर के वचन के कारण हैं. The truth which you have in your life is because of the word of God which you heard. अगर आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हो, उसका कारण परमेश्वर का वचन है. If you are walking in the ways of God, it is because you heard the word of God. शाऊल कुछ चीजों के लिए तैयार नहीं था. So Saul was not ready for these things. शमूएल के पास आने से पहले वो अपने घर को लौट जाना चाहता था. And before he wanted to meet Samuel, he desired to go back to his own house. लेकिन एक आज्ञाकारी और परमेश्वर का भय रखने वाले नौकर के कारण वो शमूएल तक पहुंच पाया है. But it was because of this one man, the servant who was obedient and God-fearing man, he went to Samuel. क्या आप अपने जीवन में कंफ्यूज हैं? Are you confused in your life? आपको मार्ग नहीं समझ रहा है? Or don't you find any way in your life? आप समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या करना है? Or are you not understanding what to do next? मैं कहूंगा, आपको वचनों की आवश्यकता है. Then let me tell you, you need the word of God. क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे? Do you want God to speak with you? अपने घुटने में जाइए, कुछ समय अकेले में परमेश्वर से बात कीजिए, उसके वचन को पढ़िए. देखिए, एक नया प्रकाशन आपके जीवन में आएगा, एक नई आशीष लेके आएगा. Just kneel down and speak with the Lord alone. Spend time with Him alone and read the word. A new revelation will come to you. ये 2020 बड़े ही दुखों कष्टों से गुजारा होगा शायद. This year 2020 would have been a year of trouble and turmoil. क्षति, नुकसान, हानियों में गुजारा होगा. There was loss and there was every kind of hurt. लेकिन कोई है जो कहे, हाथ उठा के, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, ऐसे वक्त में भी तूने मुझे तक संभाल के रखा. But is there somebody who can lift up their hands and say, Lord, I thank you that in such terrible times you have taken care Bible of me. बोलती है, हर बात के लिए उसे धन्यवाद दो. Bible says, thank the Lord for everything. आने वाला 2021 जो है, आपके लिए नई आशीषों को लेके आ रहा है. The next year 2021 is bringing new blessings for you. बहुत सारी आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं. There are many blessings waiting for you. बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में प्रभु बरसाना चाहता है. There are many blessings the Lord wants to pour out in your life. वो सब कुछ नया करना चाहता है. And he wants to do everything new in your life. को हटा देना चाहता. He wants to get rid of that old thing. 2020 में जो कुछ हुआ, सब कुछ खत्म कर देना चाहता. Whatever has happened in this year 2020, he wants to bring it to an end. एक नई शुरुआत के लिए आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए. So prepare yourself for a fresh start. और इस तरह परमेश्वर, जब शाऊल तैयार नहीं था, तो परमेश्वर ने वचनों के द्वारा उसका मार्गदर्शन किया है. So in this manner, when Saul was not yet ready to receive what God has for him, God prepared his heart
through his word. परमेश्वर की यही मनसा इच्छा थी कि शाऊल परमेश्वर के उद्देश्यों को एकांत में अकेले में परमेश्वर की योजना और इच्छा को जाने और परमेश्वर के साथ एकजुट हो जाए. And this was the desire of God for Saul, that he should know the plan of God alone while he was in the presence of God. आप जानना चाहते हैं परमेश्वर ने आपके लिए 2021 में क्या रखा है? Do you want to know what God has in store for you for the year 2021? कितनी आशीष रखी हैं? And how many blessings are waiting for you? आज से एकांत में जाइए और प्रभु के साथ समय बिताइए. Start with the Lord alone. मेरे यीशु इसने भी सुबह में रात में अकेले में अपने पिता से बात की है. My Jesus did the same in the morning, in the evening, and in the nights too. He spent alone with the Lord. उसकी सेवा में हर गरजमंद लोगों के लिए उसे प्रकाशन दिया, मार्गदर्शन किया. And during his ministry, he received a revelation and provision for every person who came to him. परमेश्वर, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ. I want to thank the Lord. परमेश्वर चाहता हूँ हम एकांत में चुप रहें और प्रभु के साथ वक्त गुजारें. This is what God desires, that we should be alone in His presence. मैं चाहता हूँ इस समय हम लॉकडाउन के, लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन किसी कारण से हम लोग कलीसिया में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग आ जाएंगे. You know, the lockdown is over, but still there are certain restrictions and we are not able to come in the church, but very soon we'll be doing that. लेकिन आपके लिए बहुत सारा समय है. But you have ample amount of time at home. क्यों नहीं कुछ समय उपवास और प्रार्थना में प्रभु के मुख को निहारते हैं आप? Why don't you fast and pray and seek the face of the Lord? मैं कहूंगा 2021 जो है आपके लिए अद्भुत होगा. And I want to assure you that 2021 will be a wonderful year for you. Yes, कई बार हमारे जीवन के अंदर कभी अच्छे अच्छे मनुष्य, आत्मिक, धर्मी, आत्मिक लोग जो सद्गुणों से भरे हुए व्यक्ति हैं, ये हमारे साथ होते हैं. So many times there are people who accompany us in the journey of life, people who are virtuous, people who are good, people who treat us good. और मनुष्य होने के कारण कई बार हम उनके ऊपर निर्भर होते हैं. And as a mere human, we start depending on such good people. हम शाऊल के इस नौकर को देख सकते हैं, वो सद्गुणों से भरा, उसका मन परमेश्वर के भय है, एक अच्छा है, अपने मालिक के लिए अच्छा सोच रहा है और अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है. We look at the servant of Saul. He was a good-hearted man and he had good intentions for his master, and so he told him where to go. उसके अंदर त्यागने की भावनाएं हैं. And he also had an attitude of sacrifice. देखिए वो क्या कर रहा है वो. See what was he doing? जब वो वहाँ उस जगह तक वो लोग परमेश्वर उनको लेके आया. And while the Lord brought them to that place. और शाऊल कहता कि चल भाई अभी छोड़ दे, अभी चलते हैं, मेरा पिता गदियों को छोड़ के हमारी चिंता करेगा. Saul says to his servant, now let us leave searching the donkeys or else our father would be troubled because of us. ये परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति है. But this servant was a God-fearing man. और ये कहता है यहाँ थोड़े अंतर के अंदर एक प्रभु का जन है. And so he says to him that wait, there is a man of God nearby. हम उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे. Why not go to that man of God and ask him? और वो जो कुछ बोलता है, उसके मुख से जो निकलता है, परमेश्वर करता है. And let us see, because whatsoever that man of God says, it happens. तेरी गदियां कहाँ घूम गई हैं, वो एकदम exact बताएगा. And the man of God will tell you where are your donkeys. शाऊल कहता है. And then Saul says, सर मेरा वॉलेट में भूल के आ गया हूँ. He says, I've forgotten my wallet. शायद वॉलेट होगा भी. Perhaps he would have had his wallet. परमेश्वर, परमेश्वर के जन को देने के लिए हमारे हाथ भारी हो जाते हैं. Sometimes our hands are heavy. We do not want to give to a man of God. कई बार हम लोग देना नहीं चाहते रहते हुए भी. Many times we don't want to give even though we have it with us. हो सकता है दो चीजें हो सकती है. हो सकता है कि शाऊल के पास सच में पैसा नहीं है. So there are two scenarios here. There are two possibilities. One is that Saul would have had the money or he would have not. जिस परिवार से belong करता है वो धनी परिवार है उसका. Because in the first place, Saul belonged to a rich family. हो सकता है उसके पास सोना और चांदी होगा या हाथों में अंगूठी होगी, चेन, ये सब कुछ होगा उसके पास. And probably he would have had some gold or silver or also some ornaments in his hands or around his neck. देना नहीं चाहता है. But he does not want to give it. मैंने अपनी सेवा के अंदर बहुत सारे आश्चर्य कर्म देखे. I have seen many miracles in my ministry. मैं वो मीटिंग कभी नहीं भूल सकता हूँ. I can never forget that meeting. जनवरी की मीटिंग थी वो. It was in the month of January. लास्ट मीटिंग थी वो. It was the last meeting. और एक एक्स्ट्रा मीटिंग हो गई थी. And they had extended that meeting. प्रभु के दास ने देने के बारे में बताया. And the man of God preached about giving. और वो लास्ट में उन्होंने कहा मैं अब बोलने जा रहा हूँ, आपको देना है. And at the end of this message he said that I am about to give an altar call and
and then he says that you have to give. मैंने भी सोचा मैं भी कुछ दूंगा परमेश्वर. And so I also determined in my heart that I will give something to my God. मेरा इरादा था सबसे पहले उठूंगा और मैं भागूंगा. And it was I had decided that I will be the first one to get up and run to the altar. मैं कहना चाहता हूँ उस मीटिंग में देने वाले इतने थे. वो संघवी के लिए एक यादगार मीटिंग थी, एक आशीष में मीटिंग थी. ऐसे देना जो उसमें था मैंने आज तक इन 25 सालों में कभी नहीं देखा. वो सब कुछ लोगों ने दिया. एंड पीपल ऑफ गॉड लेट मी टेल यू दैट आई हैव विटनेस्ड बाय माय आईज दैट सो मेनी पीपल केम अहेड टू गिव एंड दैट ऑफरिंग वाज सो ग्रेट इट हैड नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ संघवी चर्च. एक सिस्टर की गवाही इस प्रकार थी उस मीटिंग में. एंड इन दैट मीटिंग अ सिस्टर गेव अ टेस्टिमनी. उसको वो नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रही थी. शी वाज स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब. लेकिन उसने ये कह के दिया कि प्रभु मैं तुझे दे रही हूं ये समस्या, ये मेरे लिए, अगर मैं इसे, ये जो मैं दे रही हूं इसे मैं अगर सेल करती हूं तो मेरा आगे का चल सकता, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करती हूं ये मैं तुझे दे रही हूं, बड़े प्यार से खुल के दे रही हूं, तू मेरा काम करेगा. और उस सिस्टर का फोन आया, उसे परमेश्वर ने अच्छा जॉब दिया, दो तो तुम्हें दिया जाएगा. यू नो देयर वाज दिस पर्टिकुलर सिस्टर एंड शी वाज विदाउट एनी जॉब एंड शी हैड सर्ट समथिंग विद हर एंड इफ शी वुड हैव सोल्ड इट शी वुड हैव बीन एबल टू लिव ऑन दैट फॉर अ फ्यू मंथ्स. बट शी सेड दैट लॉर्ड आई एम सोइंग दिस सीड बाय फेथ एंड विद लव एंड आई बिलीव दैट यू विल डू अ मिरेकल फॉर मी. एंड शी सोड दैट सीड एंड इट हैपेंड सो दैट शी रिसीव्ड अ गुड जॉब एंड शी कॉल्ड पास्टर एंड टोल्ड हिम अबाउट द गुड न्यूज. परमेश्वर अद्भुत है. So the Lord is wonderful. ये सेवक कहता है उसे. And so this man of God says, मेरे पास कुछ पैसे चांदी बचे हैं. Sorry, the servant of God, the servant says to Saul, I have some silver with me. आप सोचिए ना, शाऊल के पास एक नौकरी कर रहा है वो. See, this servant was working for Saul. हर एक नौकर अपने मालिक से कैसे निकालना, पैसा निकालना, कैसे लूटना यही जानता है. लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके है, ये परमेश्वर का भय रखता है. ये कहता मेरे पास तेरे पास नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ है अपन वो उसको दे देंगे. See, every servant wants to trick his master so that he can earn some more money from him. But instead, we find this servant, he says that if you don't have anything to give, you can take my portion and give it to the man of God. इसलिए दूसरे कुरान्ते 9वें अध्याय में संत पॉल कहता है, हर्ष से देने वालों से परमेश्वर अति प्रसन्न रहता है. And therefore, Bible says, and St. Paul writes that the Lord is pleased with the one who gives cheerfully. आप जब भी देते हैं प्रभु के दासों को, प्रभु की सेवा के लिए हर्ष से दीजिए, प्रभु आपको हर्ष से देगा. So whenever you give to the ministry of God, whenever you give to servants of God, be a cheerful giver and the Lord will bless you. ये तो त्यागने वाला है ये. And so it is a sacrificial attitude. वो गदियों को ढूंढने के लिए, अपने स्वामी के लिए शमूएल के सम्मुख जाने के लिए वो अपने पॉकेट से देना चाहता है. So for the master's donkeys to be found, they had to go to a man of God and to give something to the man of God. This servant is ready to pay from his own pockets. और शमूएल सुनता भी है. And Samuel heard of this. तो जानिए ऐसे सद्गुण से भरे ऐसे मनुष्य के ऊपर मनुष्य क्यों नहीं निर्भर होगा? See, when a person is so good and he is virtuous and he is good towards others, why wouldn't people depend on him? लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा. But let me tell you one thing. ऐसे लोगों की समीपता और निकटता भी आपको परमेश्वर की आवाज सुनने में बाधा है. Sometimes staying too close to such people can also become a hindrance for you to hear the voice of God. या ऐसे लोगों की समीपता भी परमेश्वर की आवाज सुनने में आपको मदद नहीं कर सकती है. Or being close with such people can block your hearing to the voice of God. अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है, but if you want to hear the voice of God, एकांत में सहभागिता कीजिए. Go alone and be still. अपना समय परमेश्वर के साथ अकेले में बिताइए. Spend time with the Lord alone. अपने आप को परमेश्वर के दायरे में रखिए. And keep yourself in his presence. मैं कहूंगा आप अद्भुत बातें सुन के आएंगे. I assure you, you will hear wonderful things from God. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया. So God called Moses. उस पहाड़ की चोटी में वो अकेला बैठा. And he was alone on that mountain top. परमेश्वर एक सेकंड के अंदर सब कुछ दे सकता था. Within a second, the Lord would have revealed everything to him. परमेश्वर ने 40 दिन उसको लिए रखे वो. But he took 40 days appointed for him. 40 दिन ये छोटा समय नहीं है. 40 days is not a short span of time. 40 दिन अपनी उपस्थिति के अंदर रखा. But the Lord kept him in his presence for 40 days. परमेश्वर अद्भुत है. The Lord is wonderful. उसने अपनी
अपनी महिमा से भरा. He filled him with his glory. 40 दिन के संगति के अंदर उसका उसका जीवन उसका चेहरा तेज से भर गया. In that 40 days of fellowship with the Lord, his face was shining with the countenance of God. सर, आज का कोई भी कॉस्मेटिक आपके चेहरे पे इतना तेज नहीं ला सकता है. No cosmetics of this day and age can give that glow on your face. अगर तेज आना है, चमक आना है, तो आपको अकेले में समय निकाल के अपने परमेश्वर के साथ बैठना है. If you want a glow and your face to shine, then you have to spend time alone with the Lord. परमेश्वर आपसे बात करेगा. And the Lord will speak with you. मैं इन दिनों में यही कर रहा हूँ. And I am doing the same in these days. मैं यही कहता हूँ प्रभु मुझे अधिक से अधिक तेरे साथ बैठना है. And I say to the Lord, Lord, I want to sit with you more and more. जितना अकेले में बैठेंगे उतने प्रकाशन को ला सकेंगे. The more you sit in the presence of the Lord alone, the more you will receive revelation. इंसान की आवाज सुनना बंद कीजिए और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाइए. Stop listening to the voices of man and start listening to the voice of God. मनुष्य की आवाज, मनुष्य का दिशा देना, मनुष्य का मार्गदर्शन शायद आपके लिए नुकसानदायक हो. Perhaps man's voice and his directions may prove to be fatal for you in the future. लेकिन परमेश्वर आपको सही दिशा देगा. But God will give you the right direction. अपने आप को उसके दायरे में रखिए. So keep yourself under his influence. जिस तरह एक जौहरी जो है एक एक हीरे को एक पत्थर में से निकाल के तराशता है और उसे एक समय आने के बाद उसे एक आकार देता है. As a jeweler knows how what is the type of a diamond and how he should carve it out of that stone to make it shine and precious. अगर आप इस 2020 के अंतिम दिनों में अपने आप को परमेश्वर के दायरे में ऐसे रखेंगे, वो आपको तराशेगा और 2021 में आपको एक नया शेप देगा. In the similar way, if you be in the presence of God, God will carve you out. He will give you shape and you will become precious in His sight. आज तक तुम अपने लिए चमके होंगे, लेकिन 2021 में आप परमेश्वर के लिए चमकेंगे. Perhaps till today you would be shining for yourself, but in the year 2021 you will shine for God. ये 2021 में आपने अपने आप में खूब प्रयत्न किए होंगे, कोशिशें किए होंगी, लेकिन आपकी धैर्य रह गई. लेकिन 2021 में आपको यह सब करने की जरूरत नहीं, आपके लिए अद्भुत आशीषें परमेश्वर ने रखी है. In this year 2020, perhaps you would have did many things, you tried many things and you failed in every attempt, but start spending time in the presence of the Lord and he will do mighty things for you in the next year. अपने आपको परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में सौंप दीजिए. So commit yourself into the powerful hands of God. वचन कहता है समय आने पे वो आपको शिरोमणि बनाएगा. Bible tells us that at the right time he will exalt you. क्या आप तैयार हैं? Are you ready for that? क्या परमेश्वर के वचन ने आपसे बातें की है? As the word of God spoken मेरा to you, संदेश खत्म नहीं हुआ. My message is still not over. मैं अगले हफ्ते वापस इसी से बात करना चाहूंगा. I will continue next week with the same message. और मैं चाहता हूं कि इसे इस सीरियल को पूरी तरह से सुनिए. And I want you to listen to the series completely. एकांत में रहिए, चुप रहिए, परमेश्वर को बात करने दीजिए. Be alone, be still and silent and let God speak. आपने आज तक बहुत बात की है. You have spoken a lot, it is enough. बहुत प्रार्थना कर ली आप लोग. It is enough, you have prayed a lot. बहुत अन्य भाषा बोल ली है. It is enough, you have spoken in tongues. अब समय है, शांत रहिए, प्रभु को बात करने दीजिए. It is time to be still and let God speak in your life. ये सही समय है सर. It is the right time. सही समय है. It's the right time. आइए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष में करे. May the good Lord bless you through this message. प्रार्थना करते हैं. Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ. Heavenly great God, I thank you from the depths of my heart. आपकी स्तुति और महिमा गौरव आदर करता हूँ. I give you all the glory, praise and honor. आपने हमसे बातें की. You have spoken with धन्यवाद पवित्र आत्मा. Thank you, Holy Spirit. आपने हमसे बातें की. You have spoken with जितने us. लोगों ने सुना है, all those people who have heard जो this message, हैं, जिन्हें मार्गदर्शन नहीं है, जो सोच रहे थे, आज तुमने बातें की, आज एक नए सिर में एक नया कदम बढ़ाएं और एकांत में अपने आप को रखकर तेरी आवाज को सुने. People who are confused, people who are directionless, people who do not know what is happening in their life, Lord, they have heard your voice, they have heard your directions, Lord, speak with them when they are alone. हाँ पिता, हम मानते हैं. Yes, Father, हर एक विश्वासी, हर एक परिवार, हर एक कलीसिया, हर एक सेवक आज कंफ्यूज है प्रभु. आज हमें इस एक अग्रता, एक चित और एक चित होते हुए एक 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 अकेले में तेरे से संगति करने की आवश्यकता है. Lord, that every believer, every servant of God and every other person is confused, but they need to spend time alone with you to receive directions from you. आज तेरा दास प्रार्थना करता है. Lord, your servant prays tonight. जो इस वचन को सुन के इसके अनुसार करेगा, उनसे तू बातें कर. All those who follow this word and do accordingly, speak with them, Lord. उनके जीवन को बदल दे परमेश्वर. And change their life. तेरे अनुग्रह के, तेरे आगापे प्रेम के लिए मैं तेरा ऋणी हूँ. Thank you for your grace. Thank you for your agape love. सारी महिमा, गौरव, आदर मैं आपको देता हूँ. I give you all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम में. The name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you.